तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अपडेट्स में। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के लाया हूँ आपके लिए आपका जो सीरीज मैं चला रहा था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज, यानी जो पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो पिछले कई सालों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस क्वेश्चन को, और जिसमें मैं रेंडमली एक क्वेश्चन को कहीं से भी उठाता हूँ किसी चैप्टर से और आपके सामने उसका सोल्यूशन सही तरीके से बताता हूँ। तो चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से प्रिपरेशन से रिलेटेड सबसे नए और इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले, और कोई भी नया अपडेट हो एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिले। एंड दोस्तों, मैंने आपके 2018 एंड 2019 का E1 ग्रुप एंड KA ग्रुप का दोनों का सॉल्व करके पेपर अपलोड किया है, नहीं है तो देखें तो जाके देखिएगा। और ये तो इम्पॉर्टेंट, इसके साथ मैं चैप्टर वाइज आपको मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी ला रहा हूँ, उसका भी प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देखिएगा। एंड दोस्तों, आप सभी के लिए मैंने एक अपना वेबसाइट भी बना दिया है, जी आपका जो है वेबसाइट मेरा है www.examupdates.org.in के नाम से। अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपका आपको मेरा वेबसाइट मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो मिलेगा, जो कि वीडियो नहीं आपको मिलेगा जो है नोट्स, टॉप 10 टॉप 20 क्वेश्चन करके, और इम्पॉर्टेंट अपडेट। तो जाइए देखिए दोस्तों, तो आज मैंने जो आपका क्वेश्चन लिया है आपका, यह है क्वेश्चन परसेंटेज का आपका मैंने जो है क्वेश्चन उठाया है परसेंटेज का, यानी प्रतिशत का। एंड क्वेश्चन देखिए 2010 का क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है कि किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य 40,000 है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य 40,000 है, खरीदने के लिए 40,000 आपका जो है 44,800 रुपये देने पड़ते हैं। किसी कोई ग्राहक है जिसका एक मोटरसाइकिल खरीद रहा है, उसका देखिए अंकित मूल्य 40,000 है, लेकिन जब वो खरीदता है तो उसके उसे देना पड़ता है कितना, 44,800 रुपये, यानी 4,800 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। अब देखिए क्या पूछा, मोटरसाइकिल पर बिक्री कर की दर बताइए, यानी जो बिक्री कर दर लगा है, यानी देखिए 4,000 का अंकित मूल्य था, लेकिन जो इस पर एक्स्ट्रा लगा, इस पर एक्स्ट्रा जो कर दिया है आपका 4,800 रुपये दे रहा है, तो ये आपका 4,800 रुपये एक्स्ट्रा बिक्री कर है, लेकिन इसको परसेंटेज पूछा है तो आपको बताएंगे। पहले देख लीजिए ऑप्शन क्या था, ऑप्शन दिया है ये आपका 12%, ऑप्शन बी 16%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी देखिए इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, अंकित मूल्य है और आपको निकालना पड़ेगा क्या जो है कर, जो कि बिक्री कर निकालना है। बिक्री कर देखिए अगर 40,000 में, अगर 44,800 में से 40,000 घटाया जाए तो आपका 4,800, यानी जो बिक्री कर आपका लगा हुआ है 4,800 रुपये आपका बिक्री कर लगा है। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं फार्मूले के साथ, तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या है आपका, देखिए किसी ग्राहक को मोटरसाइकिल खरीदने के लिए दी गई राशि देखिए 44,800 रुपये दे रहा है, और देखिए मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य देखिए 40,000 रुपये है। अब देखिए बिक्री कर निकालना है, बिक्री कर के लिए क्या करेंगे हम लोग, जिसमें वो अंकित जो आपका क्रय कर मूल्य के साथ खरीद रहा है उसमें से जो है अंकित मूल्य माइनस करेंगे, तो 44,800 में से देखिए 40,000 घटाएंगे तो आपका जो बिक्री कर है 4,800 रुपये आएगा, 4,800 रुपये जो आपका बिक्री कर आ रहा है। अब देखिए क्या करना है आपको, मोटरसाइकिल का बिक्री कर की दर निकालना है, तो दर निकालने क्या करेंगे, मोटरसाइकिल बिक्री कर दर निकालने के लिए क्या करेंगे, बिक्री कर देखिए बिक्री कर अपान जो है अंकित मूल्य गुणे 100 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो यही फार्मूला है आपका, जिससे आपका क्या आ जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा इसका दर। तो आपको फार्मूला याद रखना है अंकित मूल्य का, जो है अगर अंकित मूल्य पर आए और बिक्री कर दर पूछे तो आपको क्या करना है, बिक्री कर बटे अंकित मूल्य गुणे 100 करके सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा। दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं आपका, तो देखिए क्या है आपका, बिक्री कर देखिए 4,800 रुपये है और अंकित मूल्य 40,000 रुपये है, इंटू 100 करेंगे तो दो जीरो इधर कैंसिल होगा और दो जीरो ऊपर कैंसिल होगा, अब बचेगा 48, 4 का 48 से भाग दिया जाएगा तो 12, यानी जो आपका करेक्ट आंसर आएगा 12% जो आपका करेक्ट आंसर है, यानी 12% जो बिक्री कर दर इसका है, तो ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण था, तो देखिएगा इसको सॉल्व करके और फार्मूला याद रखिएगा और इस फार्मूले को रख लीजिए। और मैंने इसके पहले पांचवा सीरीज़ था और इसके सीरीज़ के पहले मैंने 4 वीडियो और अपलोड किए थे, जाके देखे।
एंड दोस्तों वीडियो पसंद आता लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।